जनतेची चांगली सेवा करून देश के लिए फिर मोदी हे अभियान मध्य प्रदेश मध्ये राबवणार असल्याचे सांगत टायगर अभी जिंदा है असं रोखठोक वक्तव्य मध्य प्रदेश के माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केलं आहे। ते संगमनेर मध्ये भाजप कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना बोलत होते। शिवराज सिंह चौहान हे गेल्या अनेक वर्षांपासून नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी शिर्डी शनिशिंगणापूर असे सहपरिवार दर्शनासाठी येत असतात। या मंदिरांना भेटी दिल्यानंतर ते संगमनेरलाही धावती भेट देतात। मंगळवारी रात्री शासकीय विश्रामगृहामध्ये ते आले असता स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांचे स्वागत केलं। कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना चव्हाण म्हणाले, काही थोड्या मतांनी आमचे आमदार पडले, नाहीतर सरकार आमचेच असते। असं असलं तरी तोडफोड करून मला सरकार बनवता आलं असतं। उनमें से भी शायद कुछ विधि ने सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा, 121, 230, 350, 400 ऐसे वोटों से हारने वाली सीटें लगभग हमारी 10 है, और वो सीटें अगर हम जीत जाते, तीन सीटें उधर से इधर हो जाती तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती, सिंगल लार्जेस्ट हम हो जाते। इसके बाद भी जोड़ तोड़ करके मैं सरकार बना सकता, लेकिन अंदर आत्मा ने गवारा नहीं किया, जोड़ तोड़ की जाए, खरीद फरोख्त की जाए, और जब हमने फैसला किया कि एक बार इनको मौका दें, मौका दिया भी 15 दिन भी नहीं हुए और प्रदेश के हाल बेहाल होने शुरू हो गए। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है कि हम सरकार नहीं बना पाए, तकलीफ जरूर है क्योंकि बननी चाहिए थी, लेकिन क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पद पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तूफानों में पला हुआ, संघर्षों से है प्यार मुझे, जय और पराजय में डूबा ये जीवन है स्वीकार मुझे। लेकिन एक बात और, अटल जी की पंक्तियाँ सदैव प्रेरणा देती है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। मात्र माझ्या अंतर आत्म्याने मला तसं करू दिलं नाही। मध्य प्रदेशमध्ये खोटी आश्वासनं देऊन काँग्रेस सत्तेमध्ये आलं, पण आता जनतेला काही दिवसातच वेगळा अनुभव येत आहे। मध्य प्रदेशमध्ये मातमसारखी परिस्थिती होऊ लागली असून टायगर अभी जिंदा आहे असं सांगत जनतेला धीर देत आहोत। आपण जनतेची चांगली सेवा करून देश के लिए फिर मोदी हे अभियान मध्य प्रदेशमध्ये राबवणार असून देशामध्ये पुन्हा मोदी इतिहास विजय मिळून पुन्हा पंतप्रधान होतील असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी व्यक्त केला। नकार नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग संघर्ष के माध्यम से जनता की बेहतर सेवा करेंगे और देश के लिए फिर मोदी अभियान मध्य प्रदेश में चला के ऐतिहासिक सीटें हम जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे ताकि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा हम करेंगे और निश्चित रूप से शानदार सफलता हम प्राप्त करेंगे। आपने रेवड़ियों की बात की तो सारा कर्जा माफ, फलाना माफ, ढिमका माफ, जो कुछ कर सकते थे बेरोजगारों को 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता और किसानों को पेंशन, पता नहीं क्या क्या कांग्रेस ने कह के भी भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन सच अब बहुत जल्दी जनता के सामने आ रहा है। एक बात मैंने जरूर कही, कार्यकर्ता भी निराश ना, जनता भी कई जगह रोई है, हालत ये है मध्य प्रदेश की, मातम जैसे माहौल है, और इसलिए मैंने कहा कि चिंता मत करना, टाइगर अभी जिंदा है। यावेळी भाजप शहराध्यक्ष राजेंद्र सांगळे यांच्यासह शेकडो भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते।